नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए नजर डालते हैं हर जगत की बड़ी खबरों पर। किसानों के लिए आरबीआई की नई पहल, अब 7% ब्याज दर पर किसान ले सकते हैं लघु अवधि फसल कर्ज। समय पर कर्ज चुकाने पर ब्याज दर को किया जा सकता है 4%। जीएसटी से होगी $137 अरब कर की वसूली। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के राजस्व का करीब 42% जीएसटी कर से किया जाएगा वसूल। जीएसटी को अगले साल 1 अप्रैल से किया जा सकता है लागू। गैर कानूनी जमाओं के खिलाफ आरबीआई की पहल, नई वेबसाइट सचेत के जरिए मिलेगी आम आदमी को अपनी जमा राशि और संस्था से जुड़ी हर जानकारी। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने कहा, वेबसाइट विभिन्न रेगुलेटर और राज्य सरकार की एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने में करेगी सहायता। भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि, फ्लिपकार्ट समेत 11 कंपनियों को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद से फटकार। परिषद ने कहा, 155 शिकायतों में से 109 मामलों को पाया गया सही। पतंजलि के जीरा बिस्किट, कच्ची घानी तेल समेत कई विज्ञापनों पर है भ्रामकता पैदा करने का आरोप। शानदार उछाल के साथ खुला बाजार, सेंसेक्स 238 अंकों की ज्यादा बढ़त के साथ 27,952 के करीब, जबकि निफ्टी लगभग 69 अंकों की उछाल के साथ 8,620 पर कर रहा है कारोबार। डॉलर के मुकाबले रुपए में तेजी, रुपया 6 पैसों की मजबूती के साथ 67.85 के स्तर पर। कल 7 पैसे की मजबूती के साथ रुपया 67.91 पर हुआ था बंद। अर्चगत में इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।